देवसी नारद जी ने कहा, तुम भगवान केशव की लीलाओं का वर्णन करो, मेरे जीवन में भी जो भी है वो सब कृष्ण ने दिया। मैं तो अनाथ था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, माँ के गर्भ में ही था, मैंने तो अपने पिता को देखा नहीं। मेरा जन्म हुआ, मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती। एक बार उस नगर में चातुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा लोग आए, मैं उनके लिए तुलसी पत्र लेके जाता, बेल पत्र लेके जाता। एक दिन मैंने कथा में बोला है, आपको ध्यान हो कि रात्रि को भगवान को सुलाने से पहले निर्माल्य उतारी है, पता है आपको, उनके ऊपर जो फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं उनको उतार लीजिए। लेकिन दो देवता ऐसे हैं जिनके ऊपर से दो चीजें नहीं उतारी जाती, सुबह स्नान के समय पर ही उतारी जाती हैं, सालराम भगवान से तुलसी और महादेव से बेलपत्र। ये दूसरे दिन जब भगवान को नहलाते हैं तब ही उतारा जाता, उसको पहले नहीं। ये समय आप स्नान सालराम भगवान से तुलसी भी पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान सालग्राम के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी जब दूसरे दिन जब आप भगवान को स्नान कराते हैं तब ही वो उतारी जाती है, और भगवान महादेव को चढ़ाया गया बेलपत्र वह भी जब दूसरे दिन जब भगवान को आप स्नान कराते हैं तब आप उतारी। हाँ, कल मैंने निवेदन किया मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और बहुत ही ज़्यादा बेलपत्र चढ़ गए हैं, दुनिया भर के कौए के फूल फल चढ़ गए हैं, तो मैंने कल या परसों निवेदन किया, कहाँ से, यहीं से निवेदन किया है शायद। अब शंकर जी का महीना आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, तो उसमें मैंने बोला है एक टुकड़िया लेके जाइए या एक थैला लेकर के जाइए, उन सब को इकट्ठा करके उतार लीजिए, आसपास यदि कहीं कोई नदी वगैरह सरोवर है तो उसमें प्रवाहित कर दीजिए, इसलिए क्योंकि तुलसी और बेलपत्री फूल के ऊपर किसी के पाम नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए। तालियां कुछ ज़्यादा बजा दी हैं आपने, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे सावन के महीने में सोमवार के दिन तो बेलपत्रियाँ पामों के नीचे कुचलती हैं ज़्यादा से। तो अब के बार का जो सावन है 22 तारीख से शुरू हो रहा है, और आनंद की बात यह है कि अब के बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, ये 2024-25 लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा, बढ़िया रहेगा, आनंद देने वाला होगा, 5 सोमवार पड़ रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो देवसी नारद जी कहते हैं कि मुझे पूजा के लिए ये सब सामग्री ले जाने का मौका मिला, गैया का दूध भी लेके जाता था, फूल पत्तियां लेके जाता, गुरु लोग पूजा करते थे और मैं उनके सामने बैठकर पूरी पूजा का दर्शन कर, आरती वो गाते थे, मेरा मन मयूर नाचता था, जब वो भोजन करते थे प्रसाद लेते थे उनकी पत्तल पर जो भी कुछ बच जाता था प्रसाद समझ करके मैं उसको ग्रहण कर लेता। मध्याह्न के समय में वो भगवान गोविंद की कथा सुनाते, कृष्ण की इस कथा सुन करके जिस प्रकार से धूप में ताप में मक्खन पिघलता है मैं भी बहने लगता, 4 महीना कब निकल गया पता भी नहीं लगा, जब वह जाने लगे तो अंदर से मेरी आत्मा रोने लगी, मैंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव आप हमें भी अपने संग में लेके जाइए, अब घर में आपके बिना मन नहीं लगेगा, हमें संग लेकर के चले। तो उन महात्माओं ने हमसे कहा कि तुम्हारी माँ अकेली है, पिता है नहीं, बेटा माँ की सेवा करना ये तुम्हारा प्रमुख धर्म है, जब माँ दुनिया में ना रहे तब उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके चले आना, ये उन्होंने मुझे कहा। और मुझे उन्होंने एक मंत्र दिया, नमो भगवते दुप्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उन्होंने मुझे अद्भुत मंत्र दिया जिसका अर्थ था, हे वासुदेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हम आपका ध्यान करते हैं, प्रद्युम्न निरुद्ध संकर्षण आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्भुज रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा देखो वर्णन है, जब भी आप मंदिर में जाते हैं मंदिर में जाकर आंख बंद करके और एकाध क्षण के लिए प्रभु के नाम लेकर के आप उनकी स्तुति करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होता है। लिखा ये थे यज्ञ प्रसम चा सम्यक दर्शन अपमान, प्रभु के दर्शन के समय नेत्र बंद करके हनुमान जी के आगे हो, हनुमान जी के बारे नाम सुना दो हनुमान चालीसा, बांके बिहारी जी के सामने खड़े हो नेत्र बंद कीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास, कुछ कुछ मुंह से कोई न कोई स्तुति उनके सामने बोलिए, आरती में खड़े हुए हैं तो हाथ में ताली जिभ्या पर भगवान की वाणी होने ही चाहिए। बहुत लोग पूजा में स्तुति में ऐसे करके खड़े हो जाएंगे,